नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर आपका वीडियो बहुत दिन हो गया आ नहीं रहा है। तो मेरा यहाँ हार्वेस्ट चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे और बाहर का काम बहुत ज़्यादा था, सभी जगह जाकर के प्लांट सेटअप कर रहे थे जिसके कारण वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दूसरा, आज मैं आपको कंप्लीट फिल्टर प्लांट, जैसे बायोफ्लॉक में क्या होता है कि हर एक जगह पानी अस्थिर रहता है, इस वजह से अमोनिया, NO2, अल्किनिटी, ये सारा चीज़ जो है सो बढ़ जाता है और उसको मेंटेन करने में जो है कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने जो एक नया टेक्निक इसमें निकाला है वो है कि लास्ट जो फिल्टर है हमारा वो फिल्टर से बड़ा पॉन्ड में जाता है और बड़ा पॉन्ड से जो पानी है वो हमारा फर्स्ट टैंक में आता है और फर्स्ट टैंक से सारे टैंक में हो करके पानी फिर जो है सो बर्फ टैंक में चला जाता है फिल्टर हो करके। तो फिल्टर प्लांट का कंप्लीट वीडियो आज मैं अभी दे रहा हूं, जो आप मतलब जो है सो खुद से भी बना सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है मेरी सलाह चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं आप लोग को। तो अभी देखिए, ये मेरा टैंक है और यहाँ पर जो है ये सब्जी का खेती हो रहा है। देखिए ये परवल जो है इस पर लगा हुआ है, परवल का खेती इस पर हो रहा है, चारों तरफ परवल। इधर दिखाओ, ये देखिए यहाँ पे परवल का खेती जो है हो रहा है, सब में परवल पूरा भरा हुआ है। और ये हमारा जो ये जो है, देखिए यहाँ पे कचरा है, ये देखिए जो तालाब से पानी आता है उस साइड से पानी जो आता आ रहा है वो पानी में कचरा जो होता है ये कचरा यहाँ पर छन जाता है और साफ पानी इसमें गिरता है। और यहाँ पर 3 इंची का भी मैं मोटर लगा रखा हूँ, वहाँ 3 इंच का 2 HP का भी मोटर लगा रखा हूँ और 1 इंच का मोटर 2 लगा रखा हूँ, जो पानी आराम से यहाँ दोनों 1.5 HP का 2 मोटर है जो पानी वहाँ से आता है और यहाँ गिरता है। अभी यहाँ से 3 इंची का ज़्यादा स्पीड में अगर दौड़ाना है तो 3 इंची का चालू करते हैं और अगर कम स्पीड में दौड़ाना है तो हम इसको छोटा वाला को चालू करते हैं जिससे हमारा पानी इसमें आता है। और यही पानी देखिए यहाँ बीच में सेंटर से जो है यहाँ निकाला हूँ, ये वाला पानी जो है इसका यहाँ से, ये जो है यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है पानी यहाँ से जो है इसमें आ रहा है, यानी कि जो आउटलेट है हमारा, ये आउटलेट से पानी, आउटलेट से अगर इसको हम खोल देंगे तो ये पानी हमारा जो है सो डायरेक्ट फिल्टर प्लांट होते हुए बड़ा पॉन्ड में चला जाएगा। अभी इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर जो है पानी किस तरह से आ रहा है, ये देखिए इसको दिखाइए और इसके अंदर देखिए कि कितना कचरा, इसको हम क्या किए हैं कि 4 फोल्ड करके, ये देखिए पूरा कचरा इसके अंदर जो है सो पूरा जो कचरा है अमोनिया वो इसके अंदर पूरा छन जा रहा है। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको साफ करेंगे, देखिए कितना गंदा गिरता है, ये गंदा जो है इसका निकल जा रहा है और जो नीचे का पानी है वो आता है, ऊपर का पानी नहीं जाता है इसमें ताकि फ्लॉक आपका डेड नहीं होगा। और ये पानी जो है इसको जाल को 4 फोल्ड किए हुए हैं, 4 फोल्ड करके और उसके बाद उस पर एक कपड़ा ऐसा लगा देते हैं जिससे ये क्या हो जाता है कि इसका पानी जो भी पानी है इसका वो इस पर हो करके, यहाँ दिखाइए पानी, ये जो है ये देखिए ये पाइप नीचे से पानी जो आता है इसमें आता है और इससे फिर इस टैंक का नीचे से पानी वहाँ आउटलेट है, आउटलेट से पानी फिर तीसरे टैंक में जाता है। इसी तरह से मेरा जितना भी टैंक है सब टैंक में होते हुए जाता है, एक टैंक से दूसरे टैंक का दूरी, ये देखिए यहाँ एक टैंक से दूसरे टैंक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ऊपर देखिए परवल लगा हुआ है, पूरा शेड में परवल है और खेती सब्जी का भी हो रहा है और साथ में जो है ये आपका यहाँ दिखाए, ये इससे 6 इंच ये डाउन करके रखते हैं ताकि पानी का फ्लो, देखिए यहाँ पर पानी किस तरह से साफ होके आता है, बिल्कुल एकदम क्लीन पानी, जो नीचे का पानी है वो साफ हो जाता है और इसमें फिर देखिए यहाँ जो है फ्लॉक भी बन रहा है और इसमें अभी नया पानी भर रहे हैं, खाली किए हैं और अभी नया जो है आगे मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ अभी ये टैंक है हमारा दूसरा नंबर टैंक और दूसरा नंबर से भी टैंक देखिए यहाँ से पानी में जाल के ऊपर लगा रखा हूँ इसको और ये जो कचरा है इसका यहाँ पर फिल्टर हो रहा है और इसमें पानी भर रहा है। इसी तरह से सारा टैंक मेरा जो है सो पानी जो है रिसाइकल होते रहता है जिसके कारण इसमें अमोनिया NO2। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपके सामने लाइव चेकिंग करके दिखाऊंगा
कि इसका जो वीडियो है मतलब इस पर जो इसमें जो आपका अमोनिया है उसमें किस तरह से इसका जो है सो निदान होता है, कैसे ये जो है सो अमोनिया NO2 वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ता है और आराम से आपका कल्चर होता रहेगा और मछली का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मेरा हंस है, ये 4 हंस अभी छोटा है, 2 महीना का है और ये धीरे धीरे जो है सो अभी ग्रो करेगा। इसको यहाँ पर जो है सो मुर्गी वगैरह को देखने के लिए इसको रखे हैं साथ ही वगैरह से। ये देखिए छोटा सा मेरा गाय का प्लांट है, छोटा गाय है एक ये। और इधर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो है आपका उस टैंक से पानी यहाँ आकर के गिरता है और ये टैंक जो है इसमें यहाँ पर पानी अभी देखिए गिर रहा है, इसमें भी हम जाल लगा रखे हैं ताकि कोई भी कचरा इसमें नहीं आए और ये जो है सो कल्चर आराम से हो। तो ये टैंक का साइज दिखा दीजिए, पूरा लंबा है। ये इधर भी सब्जी लगा हुआ है, ये देखिए लौकी का पेड़ है जो इस पर चढ़ेगा और इधर तोरई का है, झिंगली का पेड़ है। ये टैंक जो है 25 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है, 25 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है, 50,000 लीटर का टैंक है। और अभी इससे पानी जो है मेरा यहाँ से जो है इधर आएंगे, ऐसा सब जगह डबल काम कर रहे हैं। यहाँ से फिर देखिए ये भी, यहाँ से जो है देखिए यहाँ पानी मेरा गिर रहा है, नीचे दिखाइए यहाँ पे इसका पानी जो है यहाँ पे गिर रहा है, इस साइड से दिखाइए, इस साइड से दिखाइए, हाँ देखिए यहाँ पर पानी गिर रहा है, हो गया इधर, इससे पानी गिरता है और फिर यहाँ से जो ये ओवरफ्लो होने के बाद, ये जब टैंक ओवरफ्लो होगा तो यहाँ ये टैंक का पानी जो है नीचे से, यहाँ दिखाइए नीचे, इधर आइए, इस साइड नीचे से पानी जो है यहाँ आता है और यहाँ से फिर अभी एक टैंक खाली किए हैं कल, ये देखिए यहाँ पे गिर रहा है पानी, यहाँ पे गिर रहा है, ये टैंक कल हार्वेस्ट हुआ है, इसको यहाँ से निकाल दिए हैं, मछली सेल हो गया, अब इसमें पानी स्टॉक किया जा रहा है। अब ये हमारा जो है ये फिल्टर प्लांट है, यहाँ से दिखाइए इसको, ये फिल्टर प्लांट है और ये देखिए यहाँ पे हम इसको जाल लगा रखे हैं। मैंने बोला था कि फिल्टर प्लांट का कंप्लीट वीडियो मैं अभी दूंगा और फिल्टर प्लांट जो देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और 4 है। अब यहाँ से पानी मेरा जो है इस जाल के माध्यम से, यहाँ पे जाल लगा हुआ है, देखिए ईंट है, ईंट में जाल लपेट करके इसको डाल दिए हैं और इसके ऊपर से पानी नीचे गिरता है, इधर आइए देखिए यहाँ पे जो है जो इसका कचरा है यहीं पे छन जा रहा है और यहाँ से जो है सो इसमें गिर रहा है, इधर से नीचे से पानी आ रहा है, देखिए यहाँ से नीचे जो पानी जाल में से होके ताकि इसका कचरा यहाँ से इधर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है जलकुंभी का पेड़, इसमें हंस वगैरह इसको खा गया है। अब यहाँ देखिए ये जो है दूसरा तीसरा टैंक का पानी जो है यहाँ आता है और फिर यहाँ पर से जो है ये हमारा प्लांट में यहाँ से इस जगह से मतलब फिल्टर होकर के ये पूरा पानी जो है, पानी का प्रोसेस देखिए पानी कितना साफ है, एकदम इस तरह से साफ होने के बाद पानी जो है फिर से तालाब में चला जाता है। वहां से फिल्टर होने के बाद यहाँ आता है और यहाँ से फिर देखिए ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिल्टर होकर के यहाँ आता है, यहाँ से फिर जो है नीचे देखिए तालाब में पानी जा रहा है मेरा, ये तालाब में पानी। तो ये है इस तरह से, इस तरह से हम पानी को फिल्टर करते हैं, ये सारे टैंक में होते हुए आता है, जितना टैंक में है सब में होते हुए फिर पीछे से इसका कनेक्शन उसमें दिए हुए हैं और उधर से पानी ये सारे टैंक में होकर के ये फिल्टर के माध्यम से ये मेरे टैंक में चला जाता है। और यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से मोटर लगा रखे हैं, यहाँ पर 2 HP का 2 मोटर है और 2 HP का 1 मोटर है और 2.5 HP का 2 मोटर है जो दोनों का कनेक्शन यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ से पानी को हम खींचते हैं और सारे टैंक में होकर के पाइप के माध्यम से फिर इसी में आ जाता है। मतलब एक भी मतलब 1 किलो भी पानी आपका
ये पानी भी वेस्ट नहीं होता है, आपका सारा टैंक का पैराग्राफ 9 पैराग्राफ जो होता है वो बिल्कुल वेल मेंटेन में रहता है और मछली का ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा होता है इसके कारण, जो है फिल्टर के कारण। तो जो आदमी फिल्टर बनाना चाहते हैं वो हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, और जो मतलब इसमें अमोनिया से ग्रोथ से इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये है हमारा आज का वीडियो, यहाँ तक अभी समाप्त करना चाहता हूँ। फिल्टर प्लांट किस प्रकार बनाना है, 4 टैंक बनाइए ऊपर नीचे करके और उसमें पानी ऊपर से फ्लो कीजिए ताकि जो कचरा है पानी का वो नीचे जाएगा और ऊपर से पानी इसमें आ जाएगा। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।